वो तैयारियां पूरी चल रही है, देखो मेरे पीछे फुल तैयारियां, क्राउड क्रूड वर्क, पूरा क्राउड वर्क चल रहा है यहाँ पे। सत श्री अकाल जी, गुड मॉर्निंग, की हाल चाल, मैं उम्मीद कर रहा हूँ सारे वधिया होंगे, सारे बहुत वधिया जा रहे होंगे। भाई आज ना जमा नहीं जी कॉलेज जाने की, इतनी नींद आ रही है ना, इतनी तो जितने दिन भी कॉलेज गया ना इतनी नींद नहीं आई जितनी आज नींद आ रही, क्योंकि कल वर्कआउट बहुत अच्छा हुआ था और बैक ऐसी स्ट्रेच कर रही है ना, चेस्ट ऐसी दर्द कर रही है कि जमा बेड से उठने का जी नहीं कर रहा, आंखें पूरी भरी हुई हैं, बट अब उठ गए, जाना तो पड़ेगा। डाइट ट्यूट पे आ गए हम सुबह सुबह, गर्म पानी चल रहा है अपना, तैयार होते हैं। फिर आज तो पहली क्लास है नहीं, पहली क्लास की आज छुट्टी है तो लेट दूसरी क्लास मिस कर देंगे, बट तैयार होते हैं। आज हम बहुत टाइम से तैयार नहीं है, बहुत लेट तैयार है आज, तो मेरे लगता है बहुत लेट पहुँच गए, 9:30 बज गए हैं। गालियाँ गुलियाँ ये क्या ही थे, मैंने गालियाँ कह दी है रात को, मैं बोल रहे थे कॉलेज जाओ सर ही सर, मैं कल लाइव आया होता ना सर ने धमकी दे दी, तू कॉलेज जाते को बताता हूँ, तेरी क्लास है बड़ी लेट हो रही है यार, क्या करे भाई, थक सुक जाते हैं। सुधर जा सुधर जा, टाटा बाय। आज मैं इतना लेजी हुआ हूँ, मेरा ना जमा जी नहीं कर रहा कॉलेज जाने का, है ना, कभी कभार होता है यार सुबह सुबह उठने का जी नहीं करता, लेट भी हो गए हैं और आज शायद सारे यार दोस्त भी नहीं आ रहे, बट मैंने कहा कोई नहीं, अब मम्मी ने उठा दिया तो चले जाते हैं, क्योंकि कल मारी चेस्ट और बैग, अब मैं आ गया हूँ तगड़े वर्कआउट में वैसे, और पाजी जिस दिन करा देना उसके अगले दिन तो रोना आता ही आता है, तो बैक आज ऐसे खिंची हुई थी, ऐसे खिंची हुई थी सुबह उठाना, ओए होए होए कड़ाके की आवाज आ रही थी, मैं कोई नहीं यार वो काम भी जरूरी है तो ये काम भी जरूरी है, ये भी करेंगे। भाई आज ना दिन बड़ा प्यार वाला चढ़ा है, प्यार वाला क्यों चढ़ा है, क्योंकि ना देखो कभी कभार बदमाशी वाला चढ़ता है, वो प्रेम ढिल्लो पाजी गाने चल रहे होते हैं, आज चल रहे हैं गिल साहब के गाने, ताँ करके आज पूरा प्यार वाला दिन चढ़िया। मेरे को ना बड़े लोग पूछते हैं भाई तुहानू किद्दां दी कुड़ी चाहिए, देखो यार कुड़ी वो होनी चाहिए जो गिल साहब के गाने ते वाइब करे, ये मेरा गोप्रो झूले जा रहा है क्योंकि इसका नेट खराब हो गया है ना, कुड़ी वो होनी चाहिए जो गिल साहब के गाने ते वाइब करे, ए पी ढिल्लो के गाने ते तो कोई भी वाइब कर रहा है, गोवा वाले भी वाइब कर रहे हैं ए पी ढिल्लो के गाने ते। तो आज से मैंने पता क्या सोचा, देखो अब ना मी टाइम थोड़ा सा कम हो गया है मेरे पास, क्योंकि कॉलेज होता है फिर जिम होता है फिर डांस क्लास होती है फिर एडिटिंग होती है, तो जो मेरे पास मेरा मी टाइम रह गया ना वो हो गया कि यहाँ से कॉलेज पहुँचना और कॉलेज से घर पहुँचना गाड़ी में, मैंने सोचा इस मी टाइम को मैं इन्जॉय करूँगा आज से, गाने बढ़िया चलाऊँगा और फ़ोन नहीं चलाना यार, वैसे गाड़ी चलाते फ़ोन नहीं चलाना चाहिए बट फिर भी फ़ोन पर ध्यान नहीं देना, अपना इन्जॉय करते जाना है। आज इतनी लेट हो गए कि भाई पार्किंग के लिए जगह नहीं मिली, बाहर खड़ी करके आए हैं और लंच भी शुरू होने वाला, 10:45 हो गए हैं, 10:45 पहुँचे हैं, सॉरी जी मम्मी जी आज लेट हो गया, थोड़ी जाम बड़ा था क्योंकि गुड़गांव में ना किसी की कौन वो कौन हो जाती मेरे ख्याल मंत्री तो सारा रुका हुआ था। भाई आज हमारा पूरा ग्रुप नहीं आया, जितना थोड़े बने स्पर्श भाजी आए हैं, तनुषी आई है, तू कल क्यों नहीं आई थी, सो गई थी, कितने प्यार से बोला ना, तो इसके सोने में भी कितना अच्छा लग रहा है, सो गई थी, महक भी नहीं आई, जैस्मिन भी नहीं आई, आज हम सारे आराम से बैठे हैं। हाउ आर यू जानेमन, क्या हाल है आपके, हाथ तो मिला ले, क्या हाल है, आ लेट आई है यार तू बड़ी, दो क्लासें मिस कैसे कर दी तूने, ओके ओके सेम यार, आज हमारे कॉलेज में हो रहा है फंक्शन, ये है ड्रामेटिक सोसाइटी है ना हलीम, हाँ। आज का नाम मैंने बड़ा सही लिया है, हलीम साहब नाम से हरलीन, ये ड्रामेटिक सोसाइटी है हमारे कॉलेज की, फन कर रहे हैं भाई, क्लास हमारी मुक्की है, देखो क्लास थी बढ़िया, उससे बढ़िया थी इसकी हैंड राइटिंग, इतना प्यारा लिखती है, ओए होए होए मैं तो कीड़िया मारता है जिंदगी में, मेरी मम्मी गाली निकालती थी ऐ केड़ी कीड़िया मारी है, इस उम्र में भी कर्सिव राइटिंग करना क्या करना, राइटिंग गुजार के जमाने गए, वो पेपर बचाओ लैपटॉप पे आओ तभी तो आप तरक्की नहीं कर रहे भाई, देखो शांत बीबी शांत, मैं बोल तो चला यार
मैं आधे घंटे से बिठा हुआ मेरे को एक ब्लॉग नहीं बोलने दे रहे तो तू बात करके मेरे को बता दिया अबे रुक जा क्या मैं जरा वार्तालाप कर लूं स्पॉन्सर हमारे कॉलेज में हो रहा है एग्जीबिशन बहुत अच्छा एग्जीबिशन हो रहा है आफ्टर कोविड है ना तो तैयारियां पूरी चल रही है देखो मेरे पीछे फुल तैयारियां क्राउड क्रूड वर्क पूरा क्राउड वर्क चल रहा है यहाँ पे एग्जीबिशन कौन सी तारीख को ये बताएं आप पहले 7 मार्च को है तो हम आपको एक मौका दे रहे हैं बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है एक्सपोजर है आपके लिए कि आप हमारे कॉलेज में स्पॉन्सरशिप ला सकते हो मतलब आप स्पॉन्सर कर सकते हो या अगर आपने कोई अपने ब्रांड का स्टॉल लगाना है आप स्टॉल लगा सकते हो केटरिंग का पीछे से वहां जाइए खाने की बड़ी लोड है तो आप खाने का भी स्टॉल लगा सकते हो अगर आपको किसी चीज में स्पॉन्सर करना है मॉनेटरी हो गया या अपना ब्रांड प्रमोट कराना है तो आप जरूर हमें कॉन्टेक्ट करें नंबर मैं दे दूंगा या मेरे को आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना मैं कहता हूँ इतना बड़ी एक्सपोजर मिले ना जहाँ 1000-2000 बच्चा आएगा भाई इंटर कॉलेज वक्त वक्त तरीके के बच्चे आपके ब्रांड को देखेंगे DU IPU पीछे से आ जाइए DU IPU सारे कॉलेज आएंगे इफ समवन वांट्स टू स्पॉन्सर अस प्लीज डीएम मी या मैं नीचे नंबर दे दूंगा उनको कॉन्टेक्ट कर लेना कॉलेज से आज हम टाइम से निकल चुके हैं क्यों क्योंकि यार आज क्लास है घर पे भी क्लास है भंगड़ा क्लास है जिम जाना है अब भाई अब थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि हाँ आई एम गेटिंग टू दैट वे क्योंकि आज मैंने पूरा कोई गंद बला नहीं खाया ना कॉफ़ी भी क्योंकि मैं चाहता हूँ चीनी थोड़ी सी मैं कम करता जाऊँ क्योंकि चीनी बहुत होती थी तो मैंने उसकी जगह सब्स्टिट्यूट पानी पीना शुरू कर दिया मेरे को पता क्या होता था कि मैं जब कॉलेज में हांड रहा होता था ना तो मेरे को होता था कुछ छिपसे पीते जाएंगे मज़ा आता है बट मैंने उसका सब्स्टिट्यूट पानी अपने हाथ में रख लेता हूँ पानी पीता रहता हूँ राज्य के तो अब चलते हैं घर फटाफट काम बहुत ज़्यादा है भाई ये देखो क्या चल रहा है अपनी डाइट में संतरे टमाटर और क्या है क्या है उसके साथ संतरे टमाटर गाजर ये चल रहा है भाई हालत इतनी टाइट हुई है क्योंकि 2:30 बजे घर आए 3:30 बजे क्लास थी वो किस चीज़ की क्लास थी वो मैं अभी बता नहीं सकता वो धीरे धीरे हम आपको डिस्क्लोज करेंगे 4:30 तक वो हुई फिर रील रूल नहीं 10-15 मिनट सोए हैं रील एडिट करने के बाद अब बस अंडे खा के भंगड़ा क्लास पे जा रहे हैं भंगड़ा क्लास के बाद डायरेक्ट जिम जाना है जिम के बाद वीडियो एडिट करनी है फिर जाके कहीं सोएंगे कॉलेज का भी काम है वो भी करना है भाई इसके घर आओ ना एक तो पार्किंग नहीं मिलती ऊपर से 1 मिनट भी लेट हो जाना भाजी फोन करने लग जाते हैं आज की रिंग लाइट भी लेके आती थी मेरे को तो लेट हो गया योगा करेंगे भाई लाइफ पूरे जोरों शोरों पर चल रही है भंगड़ा क्लासेस सीधा जिम आ गए इसे कहते हैं बहुत मजा आ रहा है लाइफ जीने का कि ना 1 मिनट भी वेल नहीं है अपने लिए कुछ और कहीं और दिमाग जाते नहीं बकवास बातों में अब यही हार्ड वर्क ही करना है बस होता रहे टच वुड भाई रात के बज गए हैं 12 मैंने तो सिर्फ वो खाना है पापा और ये अब आए हैं फार्म से पापा को कहीं जाना पड़ गया था इम्पोर्टेंट तो वहां चले गए थे रोटी खाई नहीं हमने अब खाएंगे मैंने काप कूप नहीं खाने मैं खाऊंगा सिर्फ प्रोटीन तंदूरी चिकन खाऊंगा मैं सिर्फ ठंड बहुत है आज बहुत ठंड है हवा चल रही है भाई रात के 2:45 हो गए हैं अब जाके सारा काम कंप्लीट हुआ आउटरो अभी शूट कर रहा हूँ इससे पहले ना मैं एक कॉलेज के लिए अपना ट्रेलर बना रहा था अभी आपको डिस्क्लोज नहीं करूंगा थोड़ा सा मैंने ग्लिम्स डाली है इंस्टाग्राम पे जब आप ये व्लॉग देख रहे होगे अगर आपको थोड़ा सा ग्लिम्स देखना तो आप जाके देख सकते हो उस पर एक प्रोजेक्ट आ रहा है कॉलेज वालों के साथ तो अभी पहले कल कॉलेज दिखाएंगे जो उनको पसंद आता है फिर उनसे एक बार परमिशन ले लेंगे कब ये डिस्क्लोज करना है तो दिखाएंगे कि आपको कैसा लग रहा है डिफरेंट था कुछ कभी मैंने ऐसे ट्राई नहीं किया था ता करके मेहनत लगी उसको बनाने में और मेरे जॉनर का भी नहीं था कुछ समथिंग डिफरेंट है वो जब ट्रेलर में दिखाऊंगा तब आपको पता चल जाएगा बाकी अब सोने की तैयारियां करते हैं क्योंकि 3:30 बजे तक ये व्लॉग एडिट होगा फिर 7:30 बजे उठना है फिर कॉलेज जाना है वही लाइफ है इंजॉय आ रहा है लाइफ का मैं उम्मीद करता था भी पसंद आ रहे होंगे व्लॉग्स जब पसंद आ रहे होंगे टू हिट द लाइक बटन कमेंट जरूर करके जाना कितना लगता है जिन्हें सब्सक्राइब ठोक दो फिर मिलते नेक्स्ट सोशल बाय बाय टेक केयर लव यू